वसी और मिथिलांचल को रेल सेवा से जोड़ने की दिशा में रेलवे ने एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र द्विवेदी ने कोसी रेल ब्रिज का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण की खास बात यह रही कि जिस स्पेशल ट्रेन पर सवार होकर जीएम ने निरीक्षण किया, उसकी पूरी कमान महिलाओं के हाथ में थी। ट्रेन की पायलट, गार्ड और सुरक्षा की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई थी। आपको बता दें कि 1934 में आए भूकंप के बाद से बंद पड़ा निर्मली सरायगढ़ रेलखंड 87 वर्षों बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। इससे कोसी और मिथिलांचल की दूरी कुछ घंटों में ही तय की जा सकती है। आज ये पहली हमारी निरीक्षण ट्रेन है जो कि पूरे सहरसा से लेके सहरसा, सुपौल, सरायगढ़, आसनपुर, कुपवा, निर्मली, तमुड़िया, झंझारपुर होते हुए दरभंगा होते हुए समस्तीपुर पहुंचेगी। और यह ऐतिहासिक दिन आज ये मोदी जी ने जो उस दिन राष्ट्र को समर्पित किया था महासेतु। कोसी रेल ब्रिज का निरीक्षण करने के बाद पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र द्विवेदी सहरसा जंक्शन पहुंचे, जहां उन्होंने 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान स्टेशन पर उनका स्वागत स्कॉट एंड गाइड के बच्चों ने तिलक और आरती उतार कर किया। आपको बता दें कि महाप्रबंधक ने ऑटोमेटिक वॉशिंग कोच प्लांट और जंक्शन पर बने फुटओवर ब्रिज का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर महाप्रबंधक ने अच्छा काम करने वाले 3 रेल कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। आप जानते हैं कि 18 सितंबर 2020 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कोसी महासेतु, रेल महासेतु की को राष्ट्र को समर्पित किया था। और उसके बाद से मिथिला और कोसी के रीजन के जो आंचल के लोग हैं, उनमें एक इच्छा जागी थी कि अब हम एक रेल सेवा हमें मिलेगी, जो कि जिससे कि वो पिछले 87 साल से वंचित थे। इस प्रोजेक्ट की सबसे खासियत यह रही कि इसमें कोरोना काल में सारा काम हुआ, और कोरोना काल में जो हमारे श्रमिक भाई बाकी देश के हिस्सों से यहाँ आए थे, उन्होंने तन मन धन से हमारे रेलवे के इंजीनियर्स और बाकी कर्मचारियों की टीम के साथ, हमारे जो ठेकेदार लोग हैं उनकी टीम के साथ मिलकर कंधे से कंधा लगाकर काम किया। और आज समस्तीपुर में रेल कर्मचारियों ने अपने हुनर का जलवा दिखाते हुए बेकार पड़े कबाड़ में से राफेल और पृथ्वी मिसाइल का मॉडल तैयार किया है। इतना ही नहीं, यांत्रिक कारखाने में काम करने वाले कर्मियों ने पर्यावरण के महत्व को दर्शाने के लिए कबाड़ में पड़े लोहे के टुकड़ों से पेड़ के मॉडल भी बनाए हैं। रेल कर्मियों की बनाई गई कलाकृतियां आज चर्चा का विषय बनी हुई है। कारखाना प्रबंधक वेद प्रकाश ने बताया कि प्रधानमंत्री के कौशल विकास योजना से प्रेरणा लेकर कर्मचारी वेस्ट मटेरियल स्क्रैप से देशभक्ति से जुड़ी कलाकृतियां बना रहे हैं।